खजाना सर ये चोरी कर रही है। मैं बोली खजाना है, बोली गाइस तो ये टूट पड़ी है, खिड़की से हाथ डाल रही। छत्तीसगढ़ में मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर छत्तीसगढ़ वाले मेरे वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो पर हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक पूरा शेयर कर दो। मुझे लेना है मेरी फाइल, मतलब जिंदगी बचपन से लेके आज तक जितने भी कमा के रखे हैं जो वो क्या क्या बोलते हैं वो सब ले लेते हैं। ये रही मेरी फाइल। तो गाइस अभी मैं अपने कॉलेज चौक में पहुंच चुकी हूँ, जो कि मुझे यहाँ से कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा और चलते हैं। और मेरी फ्रेंड भी आ रही है एक, आई मीन आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कॉलेज के बाद बोलते हैं फ्रेंड लोग कि अपन मिलना जुलना तो होता रहेगा ऐसा कुछ, बट वैसा कुछ नहीं होता है। मिलना जुलना सब अपनी अपनी मंजिल की तलाश में, सब अलग अलग, सबका रास्ता अलग अलग होता है। सब निकल पड़े हैं और मैं भी। फ्रेंड लोग कॉलेज के बाद सच में नहीं मिलते। मैं बस से उतरी तो मतलब आसपास का एरिया देख रही थी, कितना बदल गया, कितना कुछ बदल गया, और मौसम भी आज बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है और इधर का सीन भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है। 15 minutes later गाइज, जैसे ही मतलब कॉलेज के पास पहुँचते जा रही हूँ ना, जितना ज़्यादा करीब होता जा रहा है ना, मतलब अजीब सा फील हो रहा है मुझे। पता नहीं कैसा फील हो रहा है, बता नहीं सकती, वर्ड नहीं है उसके लिए। चलते हैं। A few moments later मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ और कॉलेज में पहुंच गई। जो इतना बड़ा फाइल था मेरा जन्मों की कमाई, उसको कॉलेज में छोड़ के आ गई, अपने क्लास में नहीं किसी और क्लास में। और अभी जा रही हूँ मैं उस मैडम को लेने के लिए, जो कि मेरी फ्रेंड नहीं दुश्मन है। और कॉलेज में ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी एडमिशन का स्टार्टिंग चल रहा है, जो कि लास्ट में तो आप लोग जानते हैं कैसे भीड़ लगता है। हम भी कैसे लाइन लगते थे कॉलेज एडमिशन ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। चलो उस मैडम को उठा के लाते हैं, पा के लाते हैं, भगा के लाते हैं। गजब बेइज्जती है। आए हुए हैं। मेरा दांत टूट गया। क्या हो गया? दांत निकल गया। जहाँ दांत मतलब टूट गया ना, जहाँ दांत कटा था ना वही। बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। कल जामुन खा रही थी। बढ़िया हुआ। कल जामुन खा रही। सो गाइस चलते हैं जल्दी से, अपना जो टीसी निकालने का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। जो कि सर की बात से तो ऐसा लग रहा था कि सर हमको नहीं घुमाने वाले बाकी स्टूडेंट की तरह, क्योंकि हम सर के फेवरेट हो चुके हैं। हैं कि थे, क्योंकि अब तो निकल गए हम। तो चलते हैं। क्लास में चलने का जीत कर रही, जबकि इसको मैं बता चुकी हूँ वो क्लास अब हमारा ना ही रहा। इतने बच्ची है ना, समझ नहीं रही है। अच्छा ठीक है, टाइम लगेगा समझने में। गाइस ये रहा अपना क्लास। ओह माय गॉड, कैसे कभी था हमारा क्लास? कभी था? हाँ, सही है, कभी था। मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है हम फिर से पढ़ेंगे। तू पूछ क्यों रही है? तू बैठेगी क्लास अटेंड करेगी? नीचे भी लिख सकती थी लेकिन सीढ़ी चढ़ा के लाई गई क्योंकि अपने क्लास में ही रहना चाहते हैं। ये फीलिंग्स, एक दिन ये क्लास पूरा भरा रहता था और हम इतना मस्ती करते थे। आते टाइम पता नहीं किसका पार्सल उठा लाई, जिसने नेल पॉलिश की हम दुकान रख रहे हैं, यही कॉलेज सेल लगा हुआ है।
अरे सेल की होनर ये है। कितने रुपए में दे रहे हो यार? कलर तो एक एक नंबर है गाइस। ये कलर का नेल पॉलिश मैं फर्स्ट टाइम का देख रही हूँ, जो कि मैं नेल पॉलिश ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट अच्छा लग रहा है। सब कलर अच्छा लग रहा है, करके देख। कॉलेज में टीसी लेने नहीं, मेकअप करने आई है मेरी फ्रेंड। देखना तेरे में अच्छा दिखेगा, ट्राई कर। लगा दे लगा दे लगा दे। कौन से हाथ में लगाते हैं? लेफ्ट। One hour later. But मैं application तो हमारे सर आ गए, स्काउट गाइड के दो सर लोग, और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। तो चलो शुरू हो जाओ। तेरे को 10 रुपया दूंगी भगवान बोलो। 10 रुपया देगी? दे दे पहले, दे 10 रुपया। फूटे आईने में अपना शक्ल नहीं देखना चाहिए, पता है किस्मत फूट जाती है गाइस। हाँ ऐसी सुनी थी। सो गाइस हम लोग अभी फॉर्म मतलब एप्लीकेशन लिख लिया है, बट प्रिंसिपल सर गायब है लगभग लगभग। अनार नहीं है, फाइनल पहुंच गए, निकल भी लिए लेकिन एक भी नहीं पकड़ा, लेकिन खाए नहीं है। फाइनल निकल गए बट एक भी अनार खाने को नहीं मिला गाइस। कॉलेज का फूटी किस्मत, फूटी किस्मत, क्योंकि हम पपीता खा चुके हैं कॉलेज का। बड़ा तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अपन कैसे जाएंगे घर हमको नहीं पता है, जो कि अभी टाइम लगेगा। क्लास में हमको कभी जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। कब? एनएसएस के लिए कुछ तो इसमें नहीं गए थे। अर्जुन नहीं गए थे तब कॉलेज के? 3 साल हमको इस रूम में जाने नहीं दिया, पता नहीं इस रूम में शायद खजाना भरा हो। खजाना सर ये चोरी कर रही है। मैं बोली खजाना है, बोली गाइस तो ये टूट पड़ी है, खिड़की से हाथ डाल रही। सबमिट करने गए थे बट हमारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया प्रिंसिपल सर के द्वारा, क्योंकि इसमें मेरे लाइब्रेरी कार्ड में लाइब्रेरी वाले सर का साइन होना चाहिए पीछे, वही तो जब वो करते हैं तो कर देना। सो आज हमारा यहाँ आना फालतू हो गया, क्योंकि हमारे सर गए हुए हैं ट्रेनिंग में, लाइब्रेरी वाले सर, क्योंकि हमारे सर ही हैं, लेकिन नहीं है तो काम नहीं हुआ हमारा। सो कल हमको फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि वेट करेंगे हम सर को कॉल करके देखते हैं, और वेट करते हैं कि सर अगर आप आज आ जाओ तो हम आपका वेट कर लेंगे। तो चलते हैं जल्दी से। कैसी अभी नाच रही थी, क्योंकि हम लोग अभी सर से बात किए, सर बोले कि ठीक है सर देख लेंगे। सो हमको अभी टीसी मिलने वाला है, तो अपन चलते हैं कुछ टाइम में, क्योंकि सर अपने सर से बात करेंगे। और बारिश का मजे, बारिश के मजे लीजिए गाइस। एक सेकंड चश्मा लगा लेती हूँ। ताकि मुझे भी अच्छे से बारिश दिखे और मैं बारिश के मजे ले सकूँ। हाँ गाइस हमारे एक हमारे कॉलेज में फल फूल भी खाने को मिलता है, तभी हम इतने तंदुरुस्त हैं। गजब बेइज्जती है। हट्टे कट्टे हैं। लाइव देख लीजिए, हम लोग आपका इंस्टीव करके भेज दे रहे हैं। वाह सर हमारे फेवरेट सर गाइस, हमारे क्लास टीचर जो कि आज नहीं आए हुए हैं, जिस दिन अपन मार्कशीट लेने आएंगे उस दिन मिलेंगे सर से, साथ में आप लोगों को भी मिलाएंगे। और ये आपके प्यारे स्टूडेंट सर के लिए छोड़ रही है। सर देखेंगे, तू सोच रही है? देखेंगे। अच्छा मतलब पक्का यकीन है इसको सर पे? तू लिख के डाल रही थी ना, सर उधर से देख रहे थे एक सर। हाँ कोई ना, मैं थोड़ी ना मारने वाला हूँ, क्या बोलते हैं। हम कितने दिनों बाद मिले, उसके बाद हमने की ढेर सारी बातें। अपने उस फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना जिससे आप अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। सो गाइस हम लोग एक बेंच में अपने मतलब अपने ग्रुप का 3 लोग थे उसमें, तो उन लोगों ने सबका नाम लिखे थे, तो हम लोग अभी वही ढूंढ रहे हैं। यही इसी किसी में होना चाहिए, क्योंकि अपन का साइड ये था
अपन यहाँ बैठते थे। हाँ वाह हाँ। इसको इसको साइड कर, इसको निकाल। इधर मिट गया है ये देख। अच्छा सो गाइस फाइनली मिल गया है अपना अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड लोगों का नाम, जो कि एक बेंच पे बैठे थे हम तीन लोग। सो पूरा लिखा हुआ है अपना नाम। तो कॉलेज और स्कूल और कॉलेज में आप लोगों में से कौन कौन ऐसे मस्ती करते हैं, मतलब बेंच में नाम वगैरह सब कुछ छाप देते थे अपना, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और बारिश अभी भयंकर हो रही है गाइस, ये देखो ऊपर से छत का पानी आ रहा है कॉलेज में, और वहाँ देखो वहाँ कितना पानी भरा हुआ है, बाप रे। और अभी हम है अपने क्लास पे, क्योंकि अब ये क्लास हमारा नहीं रहा, इसलिए हम पूरा टाइम नहीं दे करें। और बारिश भी हमारा साथ दे रहा है क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है। One hour later. देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश आज रुकने वाला है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर में है, नीचे बंद करके चले गए तो हो गया फिर हमारा यही। और मौसम भैया मेरे को डर लग रहा है, ये मैडम रेनकोट लेके आई है और मैं ना छाता ना रेनकोट ना बैग कुछ भी नहीं। ये हमारे क्लास का लास्ट डे गाइस, बाय बाय क्लासरूम, कब मिलेंगे पता नहीं, पूरा अंधेरा हो गया। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि पूरा रात हो गया है और हम यहीं पर रुके हुए हैं आज कॉलेज पे। इतनी रात हो गई, इतना रात हो गया और यार सच में रात होते जा रहा है। टाइम बता दो, जबकि अभी 3 बज रहा है, इतना धूप रहता है और ये मौसम, ये भगवान। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो अब। एक घंटा हो गया यहाँ पे, हमको बारिश नहीं रुकी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम क्लास अटेंड करने आए हैं और बारिश के चक्कर में फंस गए हैं, क्योंकि ये कॉलेज हमारा है ही नहीं। तो आपका क्या कहना है मैडम जी? ओ गॉड, मतलब ये हमारा इंतजार कर रहा है। तो रेनकोट नहीं है, लूंगी अब बारिश खत्म होने के बाद। हाँ जी अच्छा हुआ हमारे जाते जाते कॉलेज बर्बाद हो गया है, हम बर्बाद कर दिए कॉलेज। फाइनली अभी बारिश रुक चुका है और हम जाने का प्लानिंग में है, क्योंकि बारिश रुका नहीं है, आप लोग मौसम देख ही रहे होंगे, हल्का फुल्का कम हुआ है ऐसा, और कोई ना बट घर तो जाना है। ये मैडम भी निकल रही है अब, क्योंकि ये रेनकोट लेके आई है, पहनेगी मस्त बढ़िया जाएगी मचलते मचलते। और हमको कल फिर से आना है, निकलूँ मैं? मेरे घर में सप्ताह है, मैं काम नहीं आएगा करके नहीं लूँ। चल क्या बोली, बोल बोल बोल। कैसे कैसे लोग रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं, हम ट्रेन भी जाना चाहिए, जाते जाते ट्रेन ट्रेन निकल जाएगा, ट्रेन होता है वो, ट्रेन निकल जाएगा। चलना चलते हैं, बारिश भी खत्म हो गया, चल मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय चन्नाइक जी, प्लीज़ बचा लेना इस मौसम से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस अब, मतलब अभी इधर अकेली हो गई मैं। तो यार बच्चे लोग बारिश का मजा ले रहे हैं, क्योंकि स्कूल में अभी छुट्टी नहीं हुआ आई थिंक इसलिए, और मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। डर लग रहा है मौसम, बस किसी का डर नहीं, बस मौसम का डर है। अरे बाप रे, इधर तो पूरा नाली भर गया। पानी में क्यों भीग रहे हो? हाय मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओहो हो गया छुट्टी मैडम लोग। अच्छा फोटो खींच दो, आओ आओ फोटो खींच दो, आओ आओ खींचती हूँ। हो गया फोटो। बच्चे लोग के जरिए मैं भी मतलब खुश हो गई इस मौसम को देख के, अब मस्त नाचते मस्ते मस्त मस्ती में जाऊंगी। इसमें थे तो पता नहीं चल रहा था कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, पूरा खेत वेत सब भर गया यार, मतलब पानी देख के अच्छा लगता है बट मुझे अभी अकेली हूँ इसलिए डर लग रहा है। मौसम मेन मौसम, ये मम्मी इतना ज़्यादा पानी गिरा। अब मुझे किसी भी हाल में सही सलामत घर पहुंचना है, और साथ में मेरा तबीयत ख़राब भी ना हो,
क्योंकि मैं बारिश में भीग रही हूँ गाइस, और फ़ोन भी निकाली हूँ बाहर बारिश में। ब्लॉगर लोगों को इतना ज़्यादा ऐसा चलते रहता है, ये सब रिस्क लेना पड़ता है। सो जल्दी जल्दी चलते हैं घर, और वहाँ पे गाड़ी का फिर से वेट करना पड़ेगा। भगवान, चलो चलो चलो, मौसम मुझे बहुत डरा रहा है गाइस। फिर से बारिश, बहुत मतलब पानी फिर से स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा गिर रहा है इस बार। 15 minutes later. सो अभी मुझे ऑटो मिल चुका है, जो कि बोल सकते हैं कि नसीब वालों को मिलता है। और मुझे बारिश से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसके बाद डायरेक्ट मुझे बस मिल गई और मैं पहुंच गई घर। अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और भीगी भी नहीं, क्योंकि ऑटो ऑटो से फिर बस मिल गया तो तुरंत डायरेक्ट आ गई मैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। जो कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, यह देखो कैसा हो गया है। Together unstoppable.